हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 11th जुलाई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पावर ग्रिड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें जो है देखने मिला है 2.94% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग। क्लोजिंग यहाँ पे हुए 218.80 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की बने, नीचे के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 54-55 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें स्लाइट एक पॉजिटिव मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट जो है थोड़ा सा क्विक होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं मोमेंट हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड में आते हुए देखने मिलेगा अराउंड 221 के आसपास। फिर वहां से हमें जो है डाउन साइड वापस से शुरू होते हुए देखने मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप लॉन्ग के लिए जाएं, यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने चाहे इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजिशनल वाइज हो। यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए देखने मिले तो वहाँ पे आप पोजिशनल वाइज जो है यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो है ले सकते हैं। बाकी इंट्राडे वाइज तो हमें हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के यहाँ पे जो है अपना एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। बाकी करंटली जिस तरह से मैंने कहा मोमेंट हमें पहले ऊपर साइड में 221 तक देखने मिला, फिर वहां से हमें डाउन साइड देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा ओपिनियन जरूर आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव साइड का ही है। करंटली सबसे पहले हमें डाउन साइड जो है देखने मिलेगा 216 तक, उसको क्रॉस करते हुए स्टॉक गया तो यहाँ पे 213 तक भी डाउन साइड आते हुए देखने मिलेगा। ओवरऑल मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर जो है आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव साइड का, लेकिन मोमेंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से होने वाला है। तो पहले अपसाइड जाएगा फिर वहां से डाउनसाइड जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज का आप जरूर जो है ध्यान रखते हुए और इसी को कंसीडर में रखते हुए थोड़ा सा अपना ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे लॉन्ग के लिए आप ट्रेड ना करें, शॉर्टिंग के लिए ट्रेड करें क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, 20 EMA 50 EMA के नीचे जो चल रहा है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान में रखते हुए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वहीं पे आपका बढ़िया मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 hour के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 hour का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है एस एच मार्क्ड है। लेकिन यहाँ पे हमें नया डेटा देखने मिला उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और उसको भी मार्क यहाँ पे करके रख देते हैं। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो है कर रहा हूँ जो भी हमें नया डेटा देखना मिल रहा है उसके बेसिस पे, मैं चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले और जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग जो हमने की है उसमें भी थोड़े से चेंजेस जो कर रहा हूँ वो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने चार्ट पे जो है वो कर ले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मार्किंग्स और यहाँ पे चेंजेस सारी हो चुकी है। बात यहाँ पे हम सीधा करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दोनों साइड का डेटा क्लियरली जो देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 218.80 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 218 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 220 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है
जरूर जाओ उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो मंडे का मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेसोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसोन वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आया था 216.70 का, उसके बाद क्या था 215.65 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसोन के बाद का अगला रेसोन आता 221 का, उसके बाद क्या था 222 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेसोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का चांसेस है। 216.70 से 218 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिले, यहाँ पे स्लाइड गैप अप ओपनिंग हो सकती है लेकिन फिर वहाँ से हमें सेलिंग भी देखने मिलेगी और इस रेंज में क्लोजिंग जो देखने मिले कुछ इस तरह का मोमेंट हमें जो मंडे के दिन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर जो है आप जिस तरह से मैंने कहा ट्रेंड, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में हमें हमेशा जो है डाउनसाइड के लिए ही जो है ढूंढना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी आप जरूर देखें यहाँ पे डाउनसाइड के लिए कहीं पे हमें मिल रही तो उसी को आप ग्रैब करते हुए अपना जो है शॉर्टिंग का जो ट्रेड ले। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।